अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रोज़ाना यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदेद कहती हूँ। मेरे चैनल उर्दू रोज़ाना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में दी हुई घंटी पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारा सबक चल रहा है अख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आज उसकी लास्ट वीडियो है हमारी। हम तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आज हम सवालात के जवाब पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर सवाल मैंने लिख दिए हैं और सवालात के जो जवाब हैं वो मैं आपको किताब में से पढ़ के सुनाऊँगी, ठीक है? पहला इसका जो चार सवाल हैं, इसके जो पहला सवाल है इसका वो ये है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थी? इसका जवाब मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ किताब से। ज़माना आगाज़ वही में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मखरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आयनत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। सवाल नंबर दो है इसका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए? अब मैं इसका जवाब आपको किताब से पढ़कर सुनाती हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पूछने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान करते हुए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी नरम खूँ और मेहरबान तबीयत थे, सख्त और तंग दिल ना थे। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर क्या करते थे? इसका जवाब मैं आपको किताब से पढ़कर सुना रही हूँ, गौर से सुनिएगा। सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। नंबर चार है इसका, हजरत अदवान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? इसका जवाब मैं आपको किताब से पढ़कर सुना रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। हज़रत अतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की कि बिनाई में ज़ाफ़ की बदौलत बारिश के दिनों में मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ ला कर नमाज़ पढ़ लें तो मैं इसी जगह को सजदा गाह बना लूँगा। तो ये थी मेरी इस सबक की लास्ट वीडियो और हमने इस वीडियो में सवाल जवाब जो है वो कवर किए हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला दूसरा सबक लेकर आऊँगी उर्दू लाजमी किताब से, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो है अपने दोस्तों में क्लास नाइन्थ के जो क्लास फेलोज़ हैं उन तमाम लोगों में ये वीडियो, मेरी सारी वीडियोज़ जो है मेरी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भला हो, कोचिंग का ख़र्चा बच सके, उनका क्लास उर्दू की क्लास वो बग़ैर फीस देकर और बहुत अच्छे से समझ सकें हर चीज़। और अगर आप लोगों की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ मैं हाज़िर होंगी इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।